कैसे वो दर्द से ना हेलो गाइज, आप सबका अपने चैनल रहस्य 2M में स्वागत है। गाइज, आज मैं एक ऐसी लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे आने से लोगों की रूह कांप जाती है और यहाँ पे कोई भी मकान नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या हुआ था वास्तव में यहाँ पे, इसके बारे में मैंने पढ़ा और इसके ऊपर मैंने देखा, इसको अच्छी तरह पढ़ के और इसको समझा, मैंने सच में वास्तव में ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे मैं आया ना, आते मेरे होश उड़ गए। तो गाइज, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अभी एक बिल्डिंग है पूरी, अब मैं कहां पर हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा और यहाँ पे हुआ क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज, इस वीडियो को कंप्लीट देखना क्योंकि आपके आंखों में से आंसू आ जाएंगे। ऐसा क्या हुआ यहाँ पे वो मैं आपको वीडियो के अंदर चलते चलते बताऊंगा, क्योंकि आपका टाइम ना खराब हो और आप इस लोकेशन को अच्छी तरीके से समझ सको और जो यहाँ पे मैंने एहसास करूंगा, जो भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होगी या नहीं होगी उसके बारे में आपको बताने हैं। अब गाइज, आया तो मैं अकेला हूं, ठीक। आपको सबसे पहले मैं व्यू दिखाना चाहता हूँ, ये व्यू आप देख सकते हो अच्छी तरह। अभी क्या चीज है, आप सोचते होंगे यार कोई जगह होगी तो वहां पे आके वीडियो बना रहा है या कुछ भी आप सोच रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बाहर लेके जा रहा हूँ। बाहर क्यों लेके जा रहा हूँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि आपको पता चले कि यार वीरू भाई जहां पे भी गया है, कैसे भी पहुंचा है उसने लोकेशन, यार आपको पता चले, बस मैं तो यही चाहता हूँ। तो गाइस, आपका बाहर का व्यू देख के आपको पता चल गया एक बिल्डिंग है जो कि बनते बनते बंद हो चुकी है। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी ये बिल्डिंग बन रही थी, इसको बीच में ही बंद कर दिया गया। रीजन क्या था वो रीजन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो का ना आप ईयरफोन लगा के देखना, क्योंकि गाइस जो भी यहाँ पे हुआ ना आपकी आंखों में से आंसू निकल आएंगे। ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, नीचे नीचे हूँ, ऊपर भी मैं जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको नीचे का व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही उसकी लाश को दफन किया गया है। उसकी लाश को दफन किया गया है, सुनते ही आपके होश उड़ गए ना। अब कहाँ पे दफन किया गया है ये आज तक किसी को भी नहीं पता चला। गाइस इधर भी देख लो, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक जितनी भी लाइट जा रही है उतना भी फोकस कर रहा है फोन। आप देख सकते हो कोई भी नहीं, आपका भाई यहाँ पे अकेला है, अकेला है, ये आप देख सकते हो, सारा व्यू दिखा रहा हूं। और गाइस यहाँ पे उस लड़की को जिंदा दफन किया। गाइस आवाज आई है चिल्लाने की, ऐसे कोई गाइस कोई ना रो रहा हो, ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी है। कौन है वहां पे, कौन है, कौन है, कौन है वहां पे, कोई है गाइस? यहाँ पे कोई खड़ा था अभी इस लोकेशन पे, मैंने खुद ने देखा है। गाइज आवाज सुन सकते हो आप, उस लड़की की दर्द की आवाज मुझे सुनाई दे रही है यहाँ पे। गाइज उसके साथ में मैं कहना नहीं चाहता यार, आप समझ जाओ मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ यार। मैं नहीं, ओ भाई, ओहो गाइज कितनी भयंकर आवाज आई थी भी, आपने साउंड सुना होगा गाइस, आवाजें गूंज रही है यहाँ पे उस लड़की की। आज भी रात के 12 बजे यहाँ पे आके दिखा दो, किसी में भी हिम्मत है। लोकेशन मैं बताता हूँ यार, आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए। गाइस मुझे लगा वहां पे कोई खड़ा था अभी, एकदम साफ क्लियर कैप्चर हुई है, पूरी लोकेशन क्लियर कर रहा हूँ आपको एकदम। देखो गाइस ऐसी ऐसी लोकेशन पे आना, गाइस देखो आवाजें कैसे वो रो रही है, एहसास हो रहा है मुझे उसका दर्द का।
गाइस वो कौन है? वहाँ पे कोई है यार। गाइस आवाज आई है, आवाज आ रही है भयंकर से भयंकर यार। कहीं वो मुझे दिखाई भी थी, उसकी आवाज जो सुनाई दे रही बहुत भयंकर तरीके से, आंखों में से आंसू आ रहे। रियल बता रहा हूँ, रियल एकदम रियल बता रहा हूँ। देखो आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उसका दर्द का एहसास होता है यहाँ पे, बताना नहीं चाहता क्या हुआ था उसका। रियल में बता रहा हूँ, आज भी ये गूगल मैप पे कहां पे भी सर्च कर लेना इस लोकेशन के बारे में, आपको सब पता चल जाएगा, सबका सब पता चल। आवाज आ रही है गाइस, वो आवाज सुनी, कैसे उसने अपनी दर्द का एहसास कराया, कैसे वो रोई एकदम। देखा कैसे आवाजें गूंज रही है उसकी, कैसे आवाजें गूंज रही उसकी गाइस। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने हैं। कहीं वो वहां पे थी, मेरे से लेर में चारों साइड वो ही खड़ी है। मुझे ना फुल ज्यादा उसका ना साउंड आ रहा है, जैसे कि वो सामने खड़ी है। गाइस वो यहाँ पे आसपास ही है मेरे, वो मैं उसे डर क्यों रहा हूँ, वो मेरी बहन के समान थी ना गाइस, छोटी सी। गाइस देखा उसकी चलाने की आवाजें, वो मेरी बहन की उम्र की थी, समझ सकते हो आप, उसके साथ मैं इतना गलत किया यहाँ पे और उसको यहाँ पे कहाँ पे दफन किया गया है। अरे चल निकल ले यार वीरू निकल ले यार। गाइस मैं कोशिश करके फिर वहां तक जा रहा हूँ, सिर्फ आलो। ओ भाई गाइस कोई भी नहीं है मेरे साथ में यहाँ पे। एक्टिविटी देख लो कितनी ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, कितनी ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, और उसकी रोने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, और मेरे कान के जो पर्दे फटने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे से फील हो रहा है, वो रो रही है बहुत भयंकर तरीके से, सही बता रहा हूं आपको। सुन के ना उसका दर्द। गाइस ईयरफोन लगा के वीडियो देखना, क्योंकि आपको साउंड का पता चलेगा कैसे वो दर्द से ना। मुझे ऐसे निकलना होगा,